हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष सिंह। स्वागत है आपका ई नोट्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन पढ़ा था। उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था पिस्टन का, वेलोसिटी निकाला था और एक्सेलरेशन निकाला था। तीन फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है। तो अब जो दो तीन न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के ऑर्डर से, ठीक है, तो वो तीन फॉर्मूला एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। फिर उसी तीनों फॉर्मूला पे हम दो तीन न्यूमेरिकल इस लेक्चर में लगाएंगे। तो वो तीन फॉर्मूला हमारे कौन कौन थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के। सो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज दिस। तो x इज इक्वल टू r 1 माइनस cos थीटा प्लस n माइनस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो इक्वेशन था ये किसके लिए था, ये इक्वेशन हमारा था डिस्प्लेसमेंट के लिए। नाउ जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो वेलोसिटी का इक्वेशन था, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ क्रैंकशाफ्ट, sin थीटा थीटा है तो इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, और n क्या है, n इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन r, ठीक है। तो ये सेकेंड फार्मूला था। और ये हमारा थर्ड फार्मूला है एक्सेलरेशन का, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन, ठीक है। ये तीन हमारा फार्मूला है जिसपे हम न्यूमेरिकल लिखेंगे, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसे देखें, इफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर 300 mm एंड 1 meter लॉन्ग रिस्पेक्टिवली एंड द क्रैंक रोटेट एट एन constant speed of 200 rpm, determine the crank angle at which the maximum velocity occurs or maximum velocity of the piston, ठीक है। तो given क्या क्या दिया हुआ है, r 300 mm, connecting rod आप देखोगे connecting rod r 300 mm, ठीक है। तो connecting rod that is l 1 minute, actually this is crank and connecting rod है, ठीक है। crank and connecting rod कहाँ है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना हमारा क्रैंक, ये क्रैंक जो है क्रैंक का हमारा कितना 300 mm दिया हुआ है, तो ये रहा 300 mm हमारा ये क्रैंक का, ठीक है। एंड कनेक्टिंग रॉड एंड 1 mm लॉन्ग, 1 mm किसके लिए है, कनेक्टिंग रॉड के लिए, तो 1 mm कनेक्टिंग रॉड के लिए दिस इज, ठीक है। नाउ n कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है 200 rpm, तो कांस्टेंट स्पीड 200 rpm, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो ओमेगा निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमारा जो मेन फार्मूला है आपको याद होगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो मेन फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2π n/60, ठीक है। तो 2π × 200, n क्या है हमारा दिया हुआ है 200, तो n 200/60, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे फिलहाल हम ऐसे ही रन देते हैं, ठीक है। और हम n अब फार्मूला देखें तो उसमें n हर फॉर्मूला में है, तो n क्या हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू l अपॉन r, तो l हमारा कितना है 1 meter और 300 mm को हमने 0.3 meter में चेंज कर लिया, 1/0.3 = 3.33, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन की वेलोसिटी पूछा निकालने के लिए, तो पहले तो पिस्टन की वेलोसिटी निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, v इज इक्वल टू ओमेगा r sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n, ठीक है। तो फ्रॉम मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पिस्टन डीवी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम स्पीड के लिए जो हमारा वेलोसिटी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो वेलोसिटी का हमारा जो ये फॉर्मूला है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट इज इक्वल टू 0 के, तो डी अपॉन डी थीटा ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा 2n इज इक्वल टू 0, ओके। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ओमेगा आर cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो n इज इक्वल, यहाँ अगर आप सॉल्व करें इसे तो n cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज cos 2 थीटा कितना हो जाता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3.33 n की वैल्यू हमने पुट किया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं cos थीटा डिफरेंट, ये एक फॉर्मूला था क्लास 9-10 में आप पढ़े होंगे कि a x स्क्वायर हो प्लस b x हो प्लस c हो तो हमारा x और y कंपोनेंट जो आता है वो कितना होता है, x इज इक्वल टू होता है माइनस b, दिस
कोफिशिएंट प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट अपॉन 2a। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, तो बी क्या है, माइनस बी फॉर्मूला है, तो माइनस 3.33 प्लस माइनस ये हमने वैल्यू पुट किया। Therefore, cos theta is equal to 0.26 और theta is equal to 75 degree. Means 75 degree पे हमारा maximum velocity होगा piston का। तो maximum velocity of piston at 75 degree क्या हो जाएगा? Formula जो हमारा था velocity का क्या था? Formula की जगह पे Vp max is equal to omega r sin 75 sin theta plus sin 2 theta upon 2n होता है। तो 2 theta means theta 75 था into 2 तो 150 हो गया। Okay? Now ओमेगा कितना था हमारा 20.95। अब जब ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन अपॉन 60 था सॉल्व करते तो आपका इतना आता, ठीक है, और आर का है 0.3। अब ये सॉल्व कर रहे इक्वेशन तो आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कुछ इतना आएगा 6.54 मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वन कंप्लीट हुआ, हमने वहाँ यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकाल लिया एट मैक्सिमम एंगल पे और एंगल भी निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, अ लेंथ ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ रेसिपिटेटिंग इंजन आर 100 mm एंड 500 mm। तो आर दिया है क्रैंक का हमारा कितना दिया 100 mm दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर में, और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज 500 mm विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एन इज इक्वल टू 400 rpm, स्पीड दिया उसका 400 rpm, एन इज इक्वल टू 400 rpm। When crank has turned through 30 degree, crank पहले यहाँ था, जब यहाँ से ऐसे टर्न हुआ एट थीटा डिग्री पे, तो इतना थीटा डिग्री हमें दिया हुआ है डेट इज 30 डिग्री फ्रॉम IDC से। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ओमेगा निकाल लेते हैं क्योंकि हर जगह हर फॉर्मूले में जरूरत है हमारा, एक्सेलरेशन में भी और वेलोसिटी में भी। अगर आप फार्मूला देखें, ये देखें, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला में भी ओमेगा है और एक्सीलरेशन के फॉर्मूला में भी ओमेगा है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू पाई एन अपॉन 60, एन वैल्यू पुट किया तो ओमेगा हमारा 41.8827 आ गया, और एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो एल कितना है हमारा 0.5 और आर है 0.1, वैल्यू पुट करें तो आपका इतना जाएगा, ठीक है। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू हमने पुट किया, आर हमारा कितना है 5 है, तो हमने ओमेगा की वैल्यू में 5 को इंटू कर दिया तो हमने ये 41.8879 आया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना है, हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा 30 है, तो साइन 30 इज इक्वल 0.5 प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और थीटा कितना है 30, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है 0.86602 इंटू 2n, 2 इंटू n हमारे में, ठीक है। देयरफॉर v इज इक्वल टू हमारा इतना आ गया। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अब निकालना हमें, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू दी है, हमने पुट किया इंटू आर, आर हमें दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 ने यहाँ पुट किया, cos थीटा हमारा 30 दिया है, तो ये हमने फॉर्मूला में हमने पूरी वैल्यू पुट की और हमारा एक्सेलरेशन फाइनली 169.4460 आ गया, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल था, अब हमने एक्सेलरेशन भी फॉर्मूले न्यूमेरिकल देख लिया, वेलोसिटी के लिए भी देख लिया, अब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल, इफ द लेंथ ऑफ द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन आर 0.1 मीटर एंड 0.5 मीटर, तीन है तो n निकाल लिया हमने, l अपॉन r इज इक्वल टू 5, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। द डिटरमाइन द पिस्टन ऑफ द पिस्टन फ्रॉम IDC एट जीरो एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट कितना है और एक्सीलरेशन कितना है ये फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पुट किया, डेट इज ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ये सब ओमेगा की वैल्यू, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमने पुट किया, थीटा की वैल्यू एक्चुअली निकालना है तो हमने थीटा की वैल्यू उन्हें दिया, ठीक है। हम इसे सॉल्व किए तो हमारा जो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक प्लस में आएगा और एक कॉस थीटा हमारा माइनस में आएगा, तो माइनस वाला थीटा कभी यहाँ नेगेटिव नहीं होता, इस माइनस वाला टर्म हमने कैंसिल कर दिया। अब जो हमारा थीटा पॉजिटिव था उसे हमने लिखा और उसको फॉर्मूला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्स इज इक्वल टू इतना जो फॉर्मूला उसमें हमने थीटा की वैल्यू पुट की, हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइनल 0.99 मीटर आ गया,
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिक भी अच्छे समझ में आया होगा। पॉज करके आप वीडियो स्लोली समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बना सकता, अदरवाइज अच्छे से एक्सप्लेन करता। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई, आप डायरेक्टली मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।